हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त भी होंगे। और आज की नई जो वीडियो लाए हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। पहले तो सुपर ट्रिक, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। JNDA, रेलवे, SSC या एयरफोर्स वगैरह सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट ट्रिक आपके सामने लाए हैं, जो कि 5 सेकंड के अंदर मुश्किल से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन है आपके पास, देखो, 10 15 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री और 10 75 डिग्री की इन का वैल्यू फाइंड करो। तो बहुत ईजी और बहुत ईजी ट्रिक है। तो उस ईजी ट्रिक से पहले एक बार थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। इसको तो आप अपने दिमाग में रखो कि अगर θ1 + θ2 = 90 डिग्री, ये आपको दिमाग में रखना है कि θ1 + θ2 = 90 डिग्री, θ1 + θ2 = 90 डिग्री, इसको दिमाग में रखो। तो उस केस में क्या होता है, देखो ये दोनों रूल जो है यहीं पे अप्लाई होंगे। θ1 × θ2 की वैल्यू होती है 1। जब इन दोनों यानी कि दोनों θ = 90 अगर होगा तो θ1 + θ2 = 1 और cot θ1 + cot θ2 = also 1। ये दोनों अप्लाई होंगे भाई कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो चेक करते हैं, चलो ठीक है। बहुत 5 सेकंड के अंदर इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो 15 और 75 होता है आपके पास 90, 15 और 75 होता है 90, इन दोनों का सम 90 होता है। तो 10 15 + 10 75, यानी कि इन दोनों का सम अगर थीटा देखो 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या बोला है आपको, 1, तो यहाँ पे लिख दो, या इन दोनों का लिख दो यहाँ पे ऐसे करके भैया 1, ठीक है। इसी तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 और 60 होता है 90। θ1 + θ2 = अगर 90 है तो 10 θ1 × 10θ2 = होता है 1। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इन दोनों की वैल्यू भी भाई आपके पास 1 मिलेगी। और 10 45 की वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू भी आपके पास 1 मिलेगी। 1 × 1 × 1 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर मिलेगा आपके पास 1। ठीक है, ये तो मैंने समझाया आपको, आप लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हो। देखो इन दोनों का पेयर देखो 15 और 75 होता है 1, सॉरी 15 और 75 होता है 90, और दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो अप्लाई कर दो, 10θ1 × 10θ2 = 1 होता है। 10θ1 10θ2 = करोगे तो आपका आएगा 1। इन दोनों का पेयर बनाओगे 60 30 90 होता है, अप्लाई कर दो कि भैया 1, और 10 45 की वैल्यू होती है ऑलरेडी 1, तो इसका आंसर मिला आपको 1। ठीक है, सो दूसरे वाले इस पर आते हैं। देखिए 10 5θ × 10 4θ = अगर 1 है सो फाइंड करो 10 3θ की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो मेरे पास क्या था पहले कि θ1 + θ2 = अगर 90 है तो इसको लेके चलते हैं, 5θ + 4θ = अगर मेरे पास क्या है 90 है। देखो ना θ1 और θ2 = 90 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 9θ = अगर 90 है तो θ = 90/9 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे वैल्यू रख दो आप लोग, 10 3 × 10 होता है 10 30, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/√3। 10 3θ की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास 1/√3। देखा ना कितना मैजिक है, कितना मतलब इजी तरीके से कर दिया है ये क्वेश्चन। देखो कितना इजी, बस आपको दिमाग में रखना है कि θ1 + θ2 = 90, सो आपके सामने है बाकी लिखा हुआ है ना। सो इसी तरीके से चलिए इसको भी करते हैं, cot 11θ × cot 7θ = अगर 1 है सो फाइंड करना है हमें 10 9θ की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो फिर इसको भी करते हैं यहाँ पे कि 11θ प्लस, अच्छा दिख रहा है ना इतने नीचे, यहाँ पे 11θ + 7θ = अगर मैंने लिखा 90, तो यानी कि 18θ = अगर 90 है तो भैया θ = कितना आ जाएगा, 18 5 होता है 95 डिग्री आ गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू उठा के रख दो आप लोग, 10 9 × 5 कितना होता है 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास 10 45 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, है ना मैजिक। देखिए कितना इजी है। सो आपको दिमाग में ये रखना है कि
टेन थीटा सॉरी थीटा वन थीटा टू इन दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों अप्लाई करोगे यहीं पे। सो आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। सो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनडीए के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसे वीडियो और जरूर देखें। सो मिलता है कल नए वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।